नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सायमा। साल 2016 में चलती ट्रेन में महिला के साथ हैवानियत का एक मामला सामने आया था, जिसको लेकर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए रेल मंत्रालय को नोटिस जारी कर दिया। तो क्या कुछ है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 2016 में चलती ट्रेन में एक महिला के साथ सामूहिक हैवानियत करने पर इस मामले में संज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए रेल मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। अदालत ने पूछा है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति बीआर सिंह की खंडपीठ ने मऊ में हुई उक्त घटना पे दायर स्वतः संज्ञान याचिका पे उक्त आदेश पारित किया। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि घटना की पीड़िता को मुआवजे में से 2,81,000 रुपए दिए गए हैं। इस पे अदालत ने पूछा कि अब तक बाकी रकम क्यों नहीं दी गई। बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई मार्च के पहले हफ्ते में होगी। बता दें कि देश में सख्त कानून होने के बावजूद हैवानियत के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। चलती ट्रेनों में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हाल ही में राजस्थान के चोरू में भी चलती ट्रेन के अंदर 28 साल की महिला के साथ हैवानियत की घटना सामने आई थी। यहां एक शख्स ने महिला को ये कह के मिलने के लिए बुलाया कि उसके भाई को किडनैप कर लिया गया है, अगर वो चाहती है कि उसके भाई को कोई नुकसान न पहुंचे तो उसके लिए उसे वही करना होगा जो वो चाहता है। मजबूर होकर महिला उससे मिलने पहुंची, जिसके बाद वहां शख्स उसे जबरदस्ती ट्रेन में बैठा कर जयपुर ले जाने लगा। इस दौरान जब महिला ट्रेन के अंदर शौच के लिए गई तो शख्स ने चाकू के दम पे उससे हैवानियत किया। इसी तरह का मामला मध्य प्रदेश के सतना से भी सामने आया था, जहां दिसंबर 2023 में एक पैसेंजर ट्रेन के अंदर 30 साल की एक महिला के साथ हैवानियत को अंजाम दिया। दरअसल जब हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया गया, उस समय ट्रेन लगभग खाली थी। महिला को सतना के ही उच्चैरा तक जाना था। इस दौरान एक शख्स उस पर लगातार नजर बनाए हुए था, जबकि महिला इस बात से बिल्कुल अनजान थी। महिला इस दौरान जैसे ही शौचालय जाने के लिए इसी कोच में जाने लगी तो वो शख्स भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। जैसे ही शख्स ने देखा कि उस कोच में कोई भी नहीं है तो उसने कोच का दरवाजा बंद किया और महिला के साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया। देश में सख्त कानून होने के बावजूद भी हैवानियत के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। यहां तक कि चलती ट्रेनों में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अब देखना होगा कि ऐसे में सरकार इस बढ़ते मामले को लेकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कुछ कदम उठाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।